हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग को रीड कराने जा रहे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल भाषा माधुरी क्लास 3। और जो चैप्टर है 1। और ये चैप्टर बहुत अच्छी चैप्टर है, कॉमिक्स टाइप की है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी लगेगी आप लोगों को सुनकर। तो चैप्टर को पूरा अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस चैप्टर का नाम है भोलू भुलक्कर। तो ये चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ना बच्चों के लिए है, केवल पढ़ने के लिए। तो इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बच्चे का नाम है भोलू। एक था भोलू भुलक्कर, बच्चे जब भी उसे देखते गाने लगते। तो जो है ना, यहाँ पे देख रहे हैं ना, कुछ बच्चे हैं जो तुरंत भोलू को देखते ही उंगली दिखाकर गाना गाने लग जा रहे हैं। दिनों एक सुर में ही एक साथ बोलते हैं, अक्कड़ पक्कड़ भूल भुलक्कर मांगो लोटा लाटे लक्कर। तीनों के तीनों, मतलब जितने भी बच्चे होते हैं ना, सबके सब एक साथ ही उसे देखकर बोलने लगते हैं, अक्कड़ पक्कड़ भूल भुलक्कर मांगो लोटा लाते लक्कर। और बस ये गाना गाने लग जाते। तो एक दिन की बात है, भोलू की माँ बोलती है, मुझे एक बाल्टी पानी ला दो फिर स्कूल चले जाना। तो भोलू बोलता है, अच्छा माँ मैं अभी पानी लाता हूँ। और वो बाल्टी लेकर तुरंत चल देता है पानी लाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो पानी लाने जाता है, रास्ते में उसे दो मुर्गे आपस में लड़ाई करते हुए दिख जाते हैं। तो ये अपने आप में बोलता है, अरे ये मुर्गे लड़ क्यों रहे हैं। और फिर वो मुर्गों की लड़ाई देखने लग जाता है। साथ में उसका एक दोस्त भी होता है, वो भी लड़ाई देखने लग जाता है। और वो भूल जाता है कि उसकी माँ ने उसे कुछ लाने के लिए कहा था। और वो बाल्टी हाथ में पकड़े घंटों खड़ा होकर मुर्गों की लड़ाई देखने लग जाता है और पानी लाने की बात भूल जाता है। भोलू पानी की बात भूल गया और वह तमाशा देखने लग गया। तभी स्कूल का घंटा बजा, टन 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 टन। और घंटा का आवाज सुनते ही भोलू को याद आया, अरे स्कूल का समय हो गया, भागो। और वो बाल्टी को ही अपना स्कूल का बस्ता समझकर स्कूल की ओर भागता है। ऐसा यहाँ लिखा है ना, भोलू बाल्टी को बस्ता समझ स्कूल की ओर भागा। और तभी उसके साथ में जो खड़ा एक लड़का था, उसे देखते ही समझ जाता है कि भोलू फिर से कुछ भूल गया। और वो अपने आप में बोलता है, लगता है भोलू फिर कुछ भूल गया। और वो मनी मन भोलू को देखकर हंसने लग जाता है। तभी स्कूल में भोलू पहुंचता है तो सर जी मास्टर साहब उसे देखकर बोलते हैं, भोलू यह पार्टी क्यों लाए हो, क्या किताब लाए हो। और सर जी भी हंसने लगते हैं। तो भोलू बोलता है, अरे मास्टर जी मैं तो बस्ता लाना भूल गया। और सभी बच्चे भी उसकी ओर देखकर हंसने लग जाते हैं, है ना। भोलू को देखकर सब बच्चे हंसने लगे। वे एक साथ बोले, भोलू भुलक्कर खाके क्यों चक्कर। और फिर आगे देखिए, फिर एक बार माँ ने भोलू को एक काम करने के लिए कहा। तो यहाँ भोलू खेल रहा होता है तो उसकी माँ पीछे से आती है और बोलती है, भोलू जरा छप्पर से उपले तो ले आना। छप्पर मतलब पुराने जमाने में आप गांव में अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे, गांव में पक्के मकान बहुत कम होते हैं। और आजकल तो हर जगह पक्के मकान होते हैं, लेकिन कुछ गांव में अभी भी नहीं होते। तो वहां छप्पर होता है, फूस का छत जो होता है ना, रूफ, वो फूस का होता है या खपरेल का होता है, तो उसे ही छप्पर कहते हैं। तो उसकी माँ बोलती है, भोलू चरा छप्पर से उपले तो ले आना। उपले मतलब गोबर का जो कोठा होता है, गोबर का जो आप कहीं देखे होंगे गांव में, कि गोबर को गोल गोल बनाकर उसे धूप में सुखाया जाता है खाना बनाने के लिए, तो उसे ही उपले कहते हैं। कहीं कहीं गोबर के उस इंग्लिश में सब ना, जैसे गोबर का केक टाइप का गोल गोल बनाया जाता है, तो कहीं कहीं उसे उपले भी कहा जाता है, कहीं कहीं उसे कोइठा भी कहा जाता है। तो जो भी आप की तरफ कहा जाता हो आप समझ लीजिएगा। तो वही है उपले, उसे ही कहते हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि भोलू जरा छप्पर से उपले तो ले आना। तो भोलू बोला, लाया माँ। और वो चला जाता है उपले लाने के लिए। तो भोलू मुंडेर पर चढ़ा तो उसने देखा, मुंडेर मतलब घर का जो दीवार होता है ना, तभी वो छत की रेलिंग पर, मुंडेर मतलब रेलिंग पर वो चढ़ता है उपले लाने के लिए। लेकिन जैसे ही चढ़ता है तो उसे छप्पर पर दिख जाता है चिड़ियों का घोंसला।
तो वो बोलता है कितनी प्यारी चिड़िया है, यह अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही है। और फिर वो उपले लेने की बात को भूल जाता है। फिर वो मुंडेर पर चढ़ा चढ़ा वो काफी देर तक चिड़ियों के घोंसले में चिड़ियों के बच्चों को देखने ही लग जाता है और वो उपले लाना भूल जाता है। और फिर भोलू भी चिड़ियों की तरह अपनी पांखों पंख की तरह हिलाने लगा और वो धम से जमीन पर गिर गया। और जैसे ही वो जमीन पर गिरता है तो उसकी गिरने की आवाज सुनकर उधर से उसकी माँ बोलती है, भोलू कहाँ रह गए, जल्दी आओ। तभी भोलू बोलता है, ओहो मैं तो चिड़िया नहीं हूँ, मैं चिड़िया की तरह उड़ना चाह रहा था और धम से गिर गया। तो वो उसके मुंह से निकल जाता है, ओहो मैं तो चिड़िया नहीं हूँ। तभी वो उसकी माँ बोलती है, अरे मेरे भुलक्कर भोलू मैं क्या करूँ। तभी उदास होकर मायूस होकर भोलू बोलता है, माँ क्या करूँ मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। तभी उसकी माँ उसे एक बहुत अच्छी सी तरकीब बताती है कि तुम अपनी कमीज में एक कांट लगा लो, इसे देखते ही तुम्हें सब याद आ जाएगा। और ऐसा ही भोलू करता है। भोलू ने वैसा ही किया। माँ ने उसे चाची के घर से पालक लाने भेजा। भोलू ने तुरंत अपनी कमीज में कांट लगाई। भोलू कांट पर हाथ रखे चलती चलती चल दिया अपनी चाची के घर पालक लाने। तभी उसे रास्ते में दो लड़कियां मिलती हैं और फिर वो आम के पेड़ की तरफ से गुजर रहा होता है। तभी उसके सर पर एक पका आम गिरता है। अरे यह मेरे सिर पर क्या टपका, यह तो आम है। और वो आम देखने लग जाता है। तभी दो लड़कियां उसके पास आती हैं और बोलती है, भोलू मेरे लिए भी आम तोड़ दो। तो फिर भोलू बोलता है आम तोड़ने लग जाता है उन दोनों लड़कियों के लिए आम तोड़ने लग जाता है और वो पालक की लाने की बात को भूल जाता है। तभी वो भोलू से एक लड़की बोलती है, भोलू एक आम मुझे भी दे दो। फिर वो एक एक करके आम तोड़ता है और दोनों लड़कियों को एक एक आम दे देता है। फिर ये लो, भोलू बोलता है, ये लो अब और आम नहीं है मेरे पास। और फिर वो बोलकर उसका हाथ अपनी कमीज की कांट पर पड़ता है और उसे तुरंत याद आ जाता है, अरे पालक। और उसे तुरंत वो दौड़ पड़ता है अपनी चाची के घर पालक लाने के लिए। तो इस तरीके से भोलू के भूलने की समस्या का कितना अच्छा उपाय उसकी माँ ने बता दिया, जिस कारण से अब वो भूलेगा नहीं, जो भी काम होगा वो उसे कांट लगा लेगा और फिर वो कांट पे हाथ पड़ते ही उसे तुरंत याद आ जाएगा कि आखिर उसने अपने कपड़े में कांट क्यों लगाई है। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और आशा है आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। और आगे का जो चैप्टर है वो है चतुर कौवा, इसकी वीडियो अलग से बनाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जैसे ही इसकी वीडियो बनाए तो वो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप तुरंत वीडियो को इस चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। तो पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चों।